मेरठ में नए साल को लेकर जहां एक ओर लोग होटलों में जाकर जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान के दर्शन के लिए भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि मेरठ के कैंट स्थित प्राचीन शिव अवरनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों का कहना है कि साल के पहले दिन अगर भगवान के दर्शन हो जाएं, तो पूरे साल भगवान की कृपा बनी रहती है। जहाँ एक तरफ पूरे देश में नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं आज हम बात करेंगे भगवान के प्रति भी लोगों को कितना भाव है कि आज नए साल के उपलक्ष में जश्न अलग मना रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए भी भीड़ उमड़ी है। वहीं आज हम मौजूद हैं मेरठ जनपद के अवरनाथ मंदिर में, जो मेरठ कैंट में स्थित है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतार और लंबी भीड़ देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर पहली बार देखने को मिला। वहीं हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंगूर देवी। आप भगवान के लिए दर्शन करने के लिए आए हैं, वो भी नए साल पे। सबसे ज्यादा जश्न मनाते हैं वो घर में मनाते हैं, लेकिन आप मंदिर में आए हो। हाँ जी। क्या सोच के आए मंदिर में? मंदिर में एक गाड़ी थी, सबकी ये सदा ही है, हम भी जो है मंदिर जाएं। गाड़ी लिए आज पहली तारीख में गाड़ी लेके आए हैं नए साल को। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी मैं चलो घूम कर, मंदिर बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पर। हम 15 साल से आज नए साल के उपलक्ष्य में आप मंदिर आए हैं। आज कुछ स्पेशल भगवान से आपने मांगा होगा, तो क्या जैसा दे रहा है ऐसे ही लेते रही हो? जैसा देखा ऐसा खुश हूँ मैं, मेरे बाल बच्चों को सही रखे, धन दौलत भगवान की दी बहुत अच्छी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बच्चों में कोई कमी नहीं है, किसी बात की कोई नहीं है। अच्छा, नए साल पे लोग क्या करते हैं कि शराब दारू वगैरह पीते हैं, उसमें जश्न मनाते हैं, क्या ये अलाउ है या कि ऐसा अच्छा लगता है क्या? नहीं, गलत है, अलाउ नहीं है ये। क्या कहेंगे आप देशवासियों को? देशवासियों को ये कहेंगे ये चीज मिलजुल के ये खाओ, ये चीज मत पियो, ये बहुत गलत चीज है, ये शराब दारू ये नहीं खानी चाहिए। देखा, अभी आपने माता जी से बात की है, लगभग काफी समय से आ रहे हैं, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है। वहीं बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे। नन्हे नन्हे बच्चे आप देख रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं ये भी, और नए साल का जश्न एक अलग तरीके से भगवान का दर्शन करके ही ये लोग मना रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे यहाँ की शाम तक अभी भीड़ किस टाइम तक लगेगी, लगभग आज तो रात भर यहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धालुओं का जश्न मनाया जाएगा।